जय श्री राम सभी को। एक मुद्दा जो कि सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है और चल भी रहा है, जो कि एक मूवीज आने वाली है 25 जनवरी को, पठान, जिसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जो रोल अदा कर रहे हैं, उसका एक ट्रेलर यानी कि कहीं ना कहीं गाना के रूप में कहा जाए तो आया हुआ है, बेशर्म रंग, जिसपे हमारे साथ डिबेट करने के लिए पटना से जुड़े हैं श्री अखिलेश पांडे जी, जो कि इंटक के प्रदेश महामंत्री हैं। दूसरी तरफ स्वतंत्र भारद्वाज जी हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक हिंदू नेता के रूप में इनकी छवि जानी जाती है। तीसरे तरफ हमारे साथ अनुराग ओझा जी हैं, जो कि कहीं ना कहीं पठान मूवीज के और बेशर्म रंग के गाने के सपोर्टर में हैं। तो तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले सवाल लेते हैं हम अनुराग जी से। अनुराग जी, पठान जो ये मूवीज आने वाली है जिसमें बेशर्म रंग गाना है, क्या आपके हिसाब से क्या मतलब ये रंग पे सवाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर अभिव्यक्ति नाम की, आज देखो, अगर संविधान जिंदा है तो रंग का कोई मतलब, पहले धर्म पे राजनीति करते थे, अब रंग पे राजनीति करते हैं, कब तक ये ऐसे होते रहेगा? रंग बेशरम, अगर उस पे गाना बना है तो उसमें भगवा ही नहीं ना है, बहुत कलर है, तो इससे भगवा पे राजनीति क्यों की जा रही है? इसका जवाब स्वतंत्र जी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दें कि भगवा सबसे लास्ट बेटर लगता है मेरे लिए इस मूवी को लेते हुए। यही जो चाटुकारिता करने वाले लोग होते हैं, जो चाटुकारिता करने वाले लोग होते हैं, वही बेशर्मी अगुवाते हैं सबसे पहले। अगर भगवा सिर्फ हमारा ही होता तो मुसलमानों को कभी प्रकाश ना दे रहा होता, हरा सिर्फ मुसलमानों का होता तो कभी हमें हवा ना दे रहा होता, नीला सिर्फ दलितों का होता तो हम इस आसमान के नीचे ना रह पाते। घटिया राजनीति कब तक करते रहोगे आप लोग? देखिए, क्लियर बात है कि हम पठान का बॉयकॉट, हम भगवा रंग का बिकनी वगैरह को लेके हम नहीं देख रहे हैं। हम मेन चीज ये देख रहे हैं कि वो मूवी बनाने वाला कौन है, उस मूवी का सॉन्ग का कंपोजर कौन है, उस मूवी का सही है शाहरुख खान का हिस्ट्री क्या है, दीपिका पादुकोण का हिस्ट्री क्या है, हम उस चीज को देखते हुए चल रहे हैं। भगवा बाद में मैटर करता है, क्योंकि वो मान लीजिए कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है तो उसको हम साइड में रखते हैं। नहीं स्वतंत्र जी, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर शाहरुख खान का विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी का भी विरोध होना चाहिए, निरहू का भी विरोध होना चाहिए, अक्षय कुमार का भी होना चाहिए। निरहुआलाल यादव का भी होना चाहिए, मंगलवार तिवारी बाबू का भी होना चाहिए, किशनलाल का भी होना चाहिए, अक्षय कुमार का भी होना चाहिए। उसपे आप बात नहीं करते हो, खान के नाते तो उसपे आप विरोध करने चले आए हो। देखिए, सबसे बड़ा बात है हाँ तो कि ये जो मतलब मनोज तिवारी निरहुआ इस सब का उन्होंने विरोध करे, ठीक है, लेकिन वो लोग का जो भी आप सुनो ये सुनो, वो स्वतंत्र जो है स्वतंत्र बाबू, स्वतंत्र जी कितनी बार आप बोल रहे हो, कितनी बार बोल रहे हो आप, और उसको कितनी बार बोल रहे हो, इसलिए सुनो, इसलिए नहीं बोल रहे हो कि वो बिहार से हैं, या इसलिए नहीं बोल रहे हो कि वो बीजेपी से हैं? समझे मेरा बात? तो हम इसलिए विरोध कर रहे हैं अश्लीलता की वजह से, बिकनी उकनी वाला बैठा कुछ नहीं कर रहा भाई। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, जो ये स्वतंत्र भारद्वाज कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म की तरफ से इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यानी कि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है। जिसको सावन महीना कहा जाता है, 90% लोग भगवा हो जाते हैं, वो किसी जाति के हो, वो 90% लोग भगवा हो जाते हैं, बाबा भोलेनाथ के दरबार में जाते हैं और भगवा पे के जाते हैं। तो क्या उस समय भगवा कलर का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब रहा बात, अभी स्वतंत्र जी ने कहा कि शाहरुख खान, हम दीपिका पादुकोण, अरे शाहरुख खान का उत्पत्ति कहां से हुआ? शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के बाद शाहरुख खान के अभिनय में पूरा देश लोहा नहीं, हम देश की बात नहीं कर रहे, पूरा दुनिया उनका लोहा माना। दीपिका पादुकोण को एक बिहार के लोगों ने नहीं बनाया, निरहुआ जैसे का मनोज तिवारी कहां से फेम होते हैं? जब तक मनोज तिवारी गाना गा रहे थे माई के चुंदरी, माई के दरबार, तब तक कोई मनोज तिवारी को नहीं जाना। मनोज तिवारी को उस दिन लोगों ने जाना, बगल वाली जान मारेगी क्या? यह मनोज तिवारी नहीं पा, कौन है बगल वाली, किसकी बगल वाली? एक, हाँ, अभी आप
यही मैं स्वतंत्र बाबू को भी समझाना चाहता हूँ, यही बात मैं इनको भी समझाना चाहता हूँ, जब गाना बनता है कि रिमोट से उठा दा, ये उठा दा, वो उठा दा, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं ये लोग? तो हम ये नहीं देखता है कि बीजेपी का सांसद क्या बना रहा है या कांग्रेस का सांसद क्या बना रहा है, ये देखते हैं सनातन संस्कृति का कौन खिलवाड़ कर रहा है उसका विरोध करते हैं। तो हम देवरा डोरी चट्टा वाला गाने का भी विरोध किए थे और अभी दीपिका पादुकोण का भी कर रहे हैं, अश्लीलता की वजह से कर रहे हैं। और साथ में आपने अक्षय कुमार का वाला गाना तो सुना ही होगा, हरे रामा हरे कृष्णा वाला। हाँ सुने, तो उसमें अश्लीलता नहीं फैल रही है? अच्छा स्वतंत्र जी, एक एक चीज वायरल हो रहा है, अखिलेश जी एक सेकंड अखिलेश जी, एक 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 गाना वायरल हो रहा है भूल भुलैया का अक्षय कुमार का, उसमें ये कहा जा रहा है कि यही अक्षय कुमार जा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेते हैं और कहते हैं कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, धूप में पका के खाते हो या मन की बात जब करते हो तब पक जाता है। अब ये घटिया बात देखो, ये बात नहीं कर रहा हूं, बाहर जा रहे हैं जो डिबेट का मुद्दा है। नहीं, अक्षय कुमार को वायरल किया जा रहा, अखिलेश जी डिबेट से बाहर नहीं है, हम लोग डिबेट पे ही हैं। अक्षय कुमार का भी एक वायरल गाना हो रहा है भूल भुलैया, जिसमें वो भगवा रंग का हीरोइन जो है वो पहनी हुई है। हमको जो इन्फॉर्मेशन दिए है उसी पर आप बात कीजिए ना, अक्षय कुमार की बात पर नहीं है। पठान पे आप लोग क्या स्वतंत्र जी क्या कर रहे हैं, इसको बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं? बहुत बड़ी भूल नहीं है, लेकिन उसकी बहुत बड़ा इसलिए कि भाजपा के लोग ये ले लिए है कि पठान पिक्चर को चलाना है, भाजपा के लोगों ने टेंडर ले लिया है, भाजपा के प्रवक्ताओं ने टेंडर ले लिया है, मीडिया जगत ने टेंडर ले लिया कि हमको कुछ पैसा दे दीजिए और हमने पठान पिक्चर को प्रमोट करके इतना वायरल कर रहे हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये टेंडर तो इसका फैसला सेंसर बोर्ड करेगा या चंदलाल करेंगे, जो नहीं चलेगी पूरा फैसला सेंसर बोर्ड करेगा। सेंसर बोर्ड बनाया, अगर आपको इतना पागल करना है तो सेंसर बोर्ड में लिखित क्यों नहीं आवेदन दे रहे, क्यों नहीं सेंसर बोर्ड में आवेदन अभी तक कोई न किसी ने दिया कि ये गलत गाने गाएंगे, सेंसर बोर्ड में किसी ने संगठन क्यों नहीं आवेदन दिया? क्यों नहीं सेंसर बोर्ड में, अब देखो मैं आपको बता दूं, सेंसर बोर्ड में जितने भी सदस्य हैं बीजेपी के नेता हैं, गौतमी बीजेपी के नेता है, विवेक अग्निहोत्री बीजेपी के स्टार कैंपर है, जीविता चंद्रशेखर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव वाणी त्रिपाठी है, आरएसएस के विचारक रमेश पतंगे बीजेपी के नेता है, बहुत नेता है, वो विरोध नहीं कर रहे, विरोध जोगी जी को टारगेट भाई, जोगी जी हम तो पूरा बिहार हमारा सावन महीना में भागवत कवर हो जाता है, तो क्या हम सारे लोग बीजेपी को जाएंगे क्या? हम नहीं, जोगी जी के ऊपर सब कमेंट है, सब लोग रोक दीजिए। अच्छा अच्छा अखिलेश जी, आपने जोगी जी की बात करी, जोगी जी भी इसको विधानसभा में उठा रहे हैं कि अगर इस तरह से चलता रहा तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान रोड पे आ जाएगा, जोगी जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हो रहे हैं। शाहरुख खान को कुछ भी गाने बनने नहीं जा रहा है, शाहरुख खान को जो हो गया है, शाहरुख खान तो अरबपति हो गया है, दुनिया का स्टार अब बना दिया है, एक बार दुनिया का स्टार बन गया है, अब धर्मेंद्र को कुछ बनने बिगड़ने नहीं जा रहा है, शत्रुघ्न सिन्हा को, अक्षय कुमार को, जितने टॉप बॉलीवुड नया जो लड़का आ रहा है, अर्जुन कपूर को बन बिगड़ सकता है, अल्लाह भट्ट को बन कर सकता है, लेकिन शाहरुख खान को क्या बन बिगड़ेगा? कुछ शाहरुख खान को बन बिगड़ने वाला नहीं, शाहरुख खान तो अपना मजा ले लिया, शाहरुख खान तो पैसा भी तोड़ लिया है, अमित खान ने पैसा भी तोड़ लिया है, सलमान खान ने। भगवान को आप साइड रखते हुए आप बस ये बताइए अश्लील है या नहीं, आइए ना बोलिए, अभी का मूवी का बात करें, इससे पहले मूवी बनी है या नहीं, बगल वाली जान मारे लिए अश्लील है,
कि नहीं है, इसका जवाब दे दीजिए तो मैं तो अभी बता देते हैं असली है। बगल वाले नाम नहीं है, बगल वाले असली है कि नहीं है? तो उस पे आपने कितनी बार बोला, कितनी बार बोला? अरे ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। पूछना चाहते हैं कि राम हर कीर्तन के गाए तो रात भर ऑर्केस्ट्रा चलेगा नहीं चलेगा? अगर फिल्म में ये जान मार उससे पहले चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे क्या है, वो असली था कि नहीं था? ये गाना जब आया था वो चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे क्या है, चुनरी क्या है, उसको असली था कि नहीं था? स्वतंत्र जी जवाब दीजिए, स्वतंत्र जी काउंटर करिए, जवाब दीजिए। अखिलेश जी जो बोल रहे हैं वो सही है? सुन लो पहले मेरी बात आए, 90 से लेके अभी तक जितना ही मूवी बना है ना, हर मतलब कि जो भी जनरेशन में आया सब जनरेशन में अश्लीलता फैला है, ठीक है? लेकिन अब आपको बता दें, स्वतंत्र अब आपको जो बनाया हुआ हमारे पिताजी जो घर बनाए हैं उसी पर हम आगे बढ़ेंगे ना। अब 90 में हमारे अगर घर बन रहा है तो सुनना बंद कर दीजिए ना। नहीं सुनना कैसे बंद कर देंगे, गाना इतना नहीं देंगे, बात खत्म। तो क्या करिएगा आप लोग, आप लोग 25 जनवरी को सारे सिनेमा घर बंद करवाइएगा। 25 जनवरी को, 25 जनवरी को आप लोग सारे सिनेमा घर बंद करवाइएगा। अखिलेश जी अखिलेश जी एक सेकंड आपके सवालों का जवाब देंगे। अखिलेश जी एक सेकंड आपके सवालों का जवाब। स्वतंत्र जी जब इतना विरोध हो रहा है, तो क्या 25 जनवरी को ये मूवीज जब रिलीज होगी तो सारे सिनेमा घर में आप लोग बंद करवाइएगा, हिंदू संगठन बंद करवाएगा? नहीं, ये गलत है अखिलेश जी। सवाल खड़ा हो रहा है, एक सुनिए सुनिए अखिलेश जी एक सेकंड बात सुनिए बात अच्छा अयोध्या के एक महाराज जी कह रहे हैं कि हमने अपनी टीम मुंबई तक लगा दी है कि अगर कहीं मिल गया तो इसको जिंदा जलाएंगे शाहरुख खान को। तो इसका इसका नहीं, आप लोग के सवाल का जवाब तो स्वतंत्र भारद्वाज देंगे ना, स्वतंत्र भारद्वाज, क्या वो सही है शाहरुख खान को जिंदा चलाइएगा आप लोग? मुस्लिम लोग ही तो बैन करने का मांग कर रहा है। आप लोग में सबसे बड़ा बात पता है क्या है, आप लोग सेक्युलर का
चिट्ठा लगा के चल रहा है। आप लोग हिंदू का विरोध कर लीजिएगा, हिंदू पठान का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने मुस्लिम का विरोध नहीं कीजिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम की हर कम्युनिटी में बैन किया उसका आप लोग। फिल्मों में हिंदू मुसलमान की राजनीति कब से होने लगी? 2014 से होने लगी है। सुनो दूसरी बात सुनो। पहले दूसरा आंसर देना, क्वेश्चन वो है ही नहीं। क्वेश्चन ये है कि हिंदू संगठन स्पेशली तो नहीं बैन करने का मांग कर रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम प्योर कम्युनिटी कर रहा है, बहुत सारा मुस्लिम संगठन है वो कर रहा है, इवन लगने भी नहीं दिया इस माहौल में, जाके पता कर लो पहले इलाहाबाद में। वही संगठन मर ना दो, सेंसर बोर्ड में बैठो, वही पे बंद करो ना, सरकार किसकी है? बीजेपी का है, हम बोलिए आज बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री जी को अगर चीड़ है तो सेंसर बोर्ड में परमिशन न करे, उसी को लोग एक चीज बताओ, जब भगवाधारी लोग बलात्कारी के आरोपियों को माला पहनाते हैं वो ठीक है, भगवा धारण करने वाला स्वामी एक बच्ची का रेप करता है वो ठीक है, मगर भगवा पहन के फिल्म बन जाती हो तो उसपे आप लोगों के पेट में तकलीफ होने लगती है। एक मिनट, पहले तो इस डिबेट का मुद्दा पहले समझ लो मेरे भाई। सबसे पहले स्टार्टिंग में जब डिबेट स्टार्ट हुआ तो क्या बोले हैं कि मेरा मैटर भगवा बोले की है ही नहीं, क्योंकि हम उस चीज को लेकर विरोध नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले बोले पठान जिंदाबाद है मुर्दाबाद, पठान जिंदाबाद है मुर्दाबाद, पठान जिंदाबाद, पठान सबसे कैसे 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 तालिबान पे अपनी माँ बहन को छोड़ के जाता है, हवाई जहाज अपना पूरा खानदान को छोड़ छोड़ के भाग रहा था, वो है पठान। उस पठान पठान क्यों देखे? ठीक है मत देखो, अफसोस इस बात का नहीं हो रहा है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। सुनिए स्वतंत्र बाबू, एक चीज स्पष्ट सिर्फ इतना करिए, अयोध्या के जो महाराज बोल रहे हैं कि शाहरुख खान को जिंदा जलाएंगे, हमारी टीम मुंबई पहुंच गई, उसका आप लोग समर्थन करते हैं या नहीं करते? हाँ या ना? में इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। तो फिर किस चीज का आप लोग विरोध कर रहे हैं? जब समर्थन करते ही नहीं है, आप पठान का विरोध ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप लोग कह लिए मतलब ये तमाशा खड़ा किए हुए हैं? अखिलेश जी एक बात कह रहे थे कि आप लोग ठीका ले लिए हुए हैं इस फिल्म को हिट कराने के लिए, इससे इसका आपको समर्थन है? इस बात की आप समर्थन करते हैं? अखिलेश जी बोले कि बीजेपी वाले और हिंदू संगठन जितना है, बजरंग दल हो या तमाम संगठन हो, सारे ठीका ले लिए हुए हैं पठान फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं चलाने की बात कर रहे हैं। सही है पठान? बिल्कुल सही है, हम इस बात को सहमत बोलते हैं। आप पैसा लिए हुए हैं, आप पैसा लिए हुए हैं शाहरुख खान की टीम से? अपने नहीं, आप तो पहले चल नहीं रहे हैं। अनुराग जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, आप तो अपने ट्रेंड पे है नहीं, आप पैसा लिए हुए हैं, इसका मतलब? देखिए हम आपको क्लियर बताते हैं, ये जो आप बीजेपी वाला बोल रहे हैं, हम लोग पठान मूवी के बारे में हम लोग को पता भी नहीं था कि भगवा वाला पहनी हुई कुछ पहनी है, प्रचार कौन किया? बीजेपी वाला। ठीक है, हम लोग ये चीज को देखने का, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं ये पहना, हम लोग हिंदू संगठन। तो अश्लीलता का विरोध कब होगा? जब वो मूवीज बनी है, जब गाना रिलीज हुआ है, तभी ना विरोध होगा, ऐसा थोड़ी भी विरोध होगा। आप लोग यानी समर्थन में भी नहीं है, विरोध में भी नहीं है, यानी देश को आप लोग कहीं ना कहीं बरगला रहे हैं, देश की जो आवाम है उसको बरगला रहे हैं। लेकिन हम अपना थॉट्स के विरोध में, अपना थॉट्स को लेकर चल रहे हैं, और हिंदू संगठन जो रियल हिंदू संगठन वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, जलाने मारने वाला बात ही नहीं है यहाँ। अच्छा एक मिनट, जितने भी संगठन ये कह रहे हैं सारे गलत हैं, फर्जी है। क्या कह रहे हैं? कौन संगठन कह रहा है? कौन संगठन कह रहा है? पत्रकार महोदय ने बताया कि महाराज जी कह रहे हैं उनकी टीम मुंबई पहुंच। एक मिनट, हाँ मैं मानता हूँ राजू दास जी महाराज, लेकिन क्या वो गलत हैं? नहीं नहीं, जलाने मारने वाले क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है। हाँ या ना में, गलत है या नहीं है? सुनो, वहाँ के गुजरात मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी कहते हैं सिनेमा घर को फूंक दिया जाएगा, ये संविधान में लिखा। नरोत्तम मिश्रा की फिल्म जब 2022 में आएगी, सुनो हम लोग संविधान को फूंक देना और लोकतंत्र को फूंक देना। अरे
हम शपथ भर गए। सुनो सुनो स्वतंत्र बाबू एक चीज और, स्वतंत्र की एक चीज और, एक चीज और, आखिरी बात, मेरी मेरी आखिरी बात, जितने भी संगठन मतलब जो भी कह रहे हैं जाएगा, इसमें कौन गुनाह है? वो चोली के नीचे क्या है, घगरा के नीचे क्या है? जीजाजी सो रहे थे। अखिलेश जी एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ 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 अनुराग जी, हाँ बोलने का मौका। जितने भी बीजेपी के नेता या प्रवक्ता या और भी संगठन के लोग जो कह रहे हैं कि सिनेमा घर जला दिया जाएगा या तोड़ दिया जाएगा, जो देखने जाएगा उसकी कुटाई की जाएगी, तो वो लोग जिंदाबाद या मुर्दाबाद? सुनो सुनो, वो गृह मंत्री बीजेपी का नहीं, आम आदमी पार्टी का है। सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, पहले सुनो सुनो, ये घटिया राजनीति करते हो। वो लोग जिंदाबाद है मुर्दाबाद? जो भी कह रहे हैं जलाने को, जो कह रहे हैं थिएटर जलाने को, जिंदाबाद है मुर्दाबाद? जो बोल रहे थिएटर को, जो लोग कह रहे हैं, जो कह रहे हैं थिएटर जलाने को, आपके अनुसार जिंदाबाद या मुर्दाबाद? अनुराग का यही कहना है जिंदाबाद या मुर्दाबाद? जो लोग कह रहे हैं जलाने को, जिंदाबाद या मुर्दाबाद? जिंदाबाद या मुर्दाबाद? क्या जिंदाबाद या मुर्दाबाद? जिंदाबाद या मुर्दाबाद? वो लोग सही हैं जिंदाबाद? अगर सही है तो जिंदाबाद बोलो, गलत है तो मुर्दाबाद बोलो। मैं तो बोलता हूँ मुर्दाबाद। पटना जिंदाबाद या मुर्दाबाद बोलो? मैं तो कहता हूँ मुर्दाबाद। जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं जलाने को, मुर्दाबाद बोलो ना। तो पठान फिल्म कहीं ना कहीं चलेगी ना, अनुराग का कहना है। नहीं नहीं स्वतंत्र बाबू, अनुराग का कहना है कि मूवीज कहीं ना कहीं चलेगी ना। वो सिनेमा घर फूंकने की जो बात कर रहा है संगठन, उसको आप जिंदाबाद कहते हैं या मुर्दाबाद कहते हैं? अनुराग का इतना कहना है मुर्दाबाद कहिएगा स्वतंत्र जी, आप गोड से मुर्दाबाद कहिएगा, आप गोड से मुर्दाबाद कहिएगा। बोलो, अरे नहीं बोलेंगे, बोलो गोड से मुर्दाबाद। गांधी जिंदाबाद? नहीं नहीं नहीं, गोड से मुर्दाबाद हाँ या ना? बोलेंगे ये नहीं बोलेंगे, यही तो इनकी राजनीति है, ये नहीं बोलेंगे। ये भी संगठनों के बारे में भी नहीं बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसे हिट करवाने का काम कर रहे हैं, जितनी मोटी रकम इनके पास पहुंची हो। आप लोग के ऊपर जितना संगठन, उसके ऊपर साफ तौर पे दोनों के तरफ से, यानी अनुराग के तरफ से और अखिलेश पांडे की तरफ से आरोप लग रहा है कि आप लोग पैसा ले करके इसको कहीं ना कहीं चमकाने का काम कर रहे हैं, हकीकत है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताते हैं हम लोग उसी तरह चमकाने का काम कर रहे हैं जिस तरह आदि पुरुष को चमकाए, जिस तरह लाल सिंह चड्ढा को चमकाए, जिस तरह ब्रह्मास्त्र को चमकाए। ठीक है, आदि पुरुष लाल सिंह चड्ढा गंदा वाला पीटा, पठान भी पीटेगा, और तब आप लोग हमको बोलिएगा कि हमारा हिंदू संगठन ही चमकाया था, पीटने वाला गंदा वाला। जो जो मूवी का बॉयकॉट हुआ, क्या कहिएगा? अनुराग जी बोल रहे हैं कि ये मूवी पीटा जाएगी। पत्रकार महोदय अभी ये कह रहे थे मेरा कोई संगठन नहीं है, ठीक है, और अभी इन्होंने फिर तुरंत बोला कि आदि पुरुष लाल सिंह चड्ढा हमने ही बैन करवाया। तो अब बोलो आपका जो संगठन फूंकने का काम कर रहा है, सही है या गलत? गंदा वाला है, गंदा वाला पीटा है मूवी, और ये आने वाला, ये टॉप होने वाला है, क्योंकि इसमें तो आपको पूरा मतलब मुस्लिम संगठन भी हो गया, क्योंकि उन लोग का कहीं ना कहीं अपना मांगे कि पठान को गलत तरह से दर्शाया गया, हम लोग का अपना मांगे। जो संगठन है, जो संगठन है, हम बताते हैं जो संगठन है उसमें 99% लोग बीजेपी के ही बैठे हुए हैं। सहमत है इस बात से? वो बीजेपी का अपना ये सेंसर का गलती से विरोध कर, क्योंकि अगर हम लोग अभी विरोध नहीं करेंगे आने वाले टाइम में ऐसा बहुत सारा। सुनो स्वतंत्र बाबू, जो संसद बोर्ड में जो बीजेपी के नेता बैठे हैं, जिंदाबाद है मुर्दाबाद? पागल पागल है क्या? पागल नहीं है, देखिए देखिए देखिए, नहीं नहीं नहीं, आप अपना पक्ष रखिए, देखिए ये शब्द नहीं है, पागल है या फिर पागल है मुर्दाबाद, ये शब्द नहीं है। आप भी अपना पक्ष रखिए, अभी इनसे बुलवाइए जिंदाबाद या मुर्दाबाद, इनसे भी बुलवा सकते हैं गांधी मुर्दाबाद या जिंदाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, ये आप भी बुलवाइए, ये शब्द नहीं है स्वतंत्र बाबू। अरे ये यही तो भैया, देखो पत्रकार महोदय, यही सबसे बड़ी
बड़ी गलती है, ये बीजेपी वाले बोलेंगे नहीं। सबसे पहले तो पत्रकार जी आपको बोलेंगे अच्छे पद पे है, उस पद के बारे में हम खिलाफ नहीं बोल सकते, मुर्दाबाद या फिर जिंदाबाद, हमको क्या ही मतलब है। हम मान रहे हैं जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो सही बोल रहे उसका सपोर्ट भी तो कर रहे हैं। किसी पद को आपके अनुसार क्या लगता है, स्वतंत्र स्वतंत्र जी आपके अनुसार क्या लगता है, ये जो पठान मूवीज है सही है? नहीं नहीं, पूरा गलत है, पूरा गलत, पूरा गलत है। गलत कैसे है आप बताइए, गलत कैसे है पूछ रहे हैं। दीपिका पादुकोण से क्या दिक्कत है? तो अमर, अच्छा अमरपाली दुबे से काहे नहीं दिक्कत होती है? अमरपाली दुबे से भी हमको दिक्कत है। तो अमरपाली दुबे जिंदाबाद है मुर्दाबाद? निरहू से दिक्कत है या नहीं है आप लोग को? निरहू से दिक्कत, मनोज तिवारी से दिक्कत है या नहीं है? सबसे पहले स्वतंत्र बाबू सुनिए, एक सेकंड, सबसे पहले आप लोग को वहीं जहां आप दिल्ली में बैठे हुए हैं वहां पे अभी संसद चल रहा है, वहीं पे आप मनोज तिवारी का घेराव करिए, वहीं पे आप निरहू का घेराव आप लोग क्यों नहीं करते हैं? क्या ये कहना विपक्ष का है कि कहीं ना कहीं ये लोग बीजेपी में चले गए तो ये साफ हो गए? अभी अभी आपने इनकी मानसिकता देखी होगी, ये कह रहे हैं हमें संविधान गैंग से दिक्कत है, ये कह रहे हैं हमें संविधान गैंग से दिक्कत है। देखो इनके चेहरे पे झलक रहा है।